हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, ये हमारा साइंस एंड टेक का तीसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लक्स ज़ेपेलिन, जो लास्ट टॉपिक था हमारा। तो लक्स ज़ेपेलिन क्या था? ये एक डार्क मैटर डिटेक्टर है, वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर है, जो कि बर्कली लैब ने यूएस में डेवलप किया है। इसको इंस्टॉल किया गया है ब्लैक हिल इन साउथ डकोटा। तो ये डार्क मैटर को डिटेक्ट करेगा। हम जानते हैं कि ओनली 5% जो मैटर है दैट इज विजिबल, बाकी का जो 95% मैटर है वो स्पेस में बना हुआ है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक है वो आजादी सेट है। तो ये एक आजादी सेट क्या है? एक पेलोड है जो कि डेवलप किया गया था बच्चों के द्वारा। 750 यंग गर्ल्स थी जो कि गांव के बच्चियों थे, बच्चियों ने इसको डेवलप किया था एंड इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो 750 यंग गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम 75 रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स की बच्चियों ने इसको पेलोड को बनाया था, आजादी सेट को। एंड इसको लॉन्च किया गया है आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का एक पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है एंड पहली मेडन फ्लाइट थी ये है SSLV, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डेवलपमेंटल फ्लाइट थी, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया है नया व्हीकल इसरो के द्वारा। तो उसकी ये पहली फ्लाइट थी, उसकी पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट थी, यानी कि उसको अभी टेस्ट कर रहे थे। एंड ये आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है एंड इसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 भी लॉन्च किया गया था, इस मिशन का पार्ट था। तो आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस से हम सेलिब्रेट किए थे एंड ये अमृत काल चल रहा है, जब हम 75 to 100 ईयर के बीच में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो पीरियड है उसको अमृत काल बोला है गवर्नमेंट ने। तो इसको लॉन्च किया गया था आजादी सेट को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो इसरो ने डेवलप किया है रिसेंटली। ठीक है, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं उनको ले जाने के लिए, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो एक व्हीकल है, यानी कि एक रॉकेट है, जैसे PSLV है उसी तरह से एक है ये लॉन्चिंग रॉकेट है इसरो की, जो कि ले जा सकती है पेलोड। कितना पेलोड है? लेस देन 500 kg का पेलोड है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकती है। लो अर्थ ऑर्बिट में 500 kg से कम का पेलोड ले जा सकती है और 300 kg तक का सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो सन जो SSLV है वो एक 3-stage vehicle है। वो क्या है? 3-stage vehicle है, तीनों ही इसमें सॉलिड स्टेज है, जबकि PSLV में सॉलिड लिक्विड 4 stages हैं, इसमें 3 stages हैं। GSLV में 3 stages हैं, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, एंड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा उसमें भी कितनी होगी? 3 stages होंगी, उसमें भी क्रायोजेनिक स्टेज होगी। एंड जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें कितनी स्टेजेस हैं? 3 stages हैं एंड तीनों ही क्या है? सॉलिड प्रोपल्शन पे काम करती हैं। एंड इसकी जो टर्मिनल स्टेज होगी, यानी कि तीनों स्टेज खत्म होने के बाद में जो जहां पे इसको इंस्टॉल करना होगा, तो उसमें एक वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी लगा हुआ है जो उसकी वेलोसिटी कम करेगा। जो उसकी टर्मिनल स्टेज होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी टर्मिनल स्टेज होगी। एंड ये लिक्विड जो लास्ट वाली स्टेज इसमें जो बच जाएगी वो क्या होगी? प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करेगी, लिक्विड प्रोपल्शन पे। इसमें 3 solid plus 1 terminal stage भी है। ठीक है, एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो स्मॉल पेलोड को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाएगा। PSLV तो बड़े बड़े व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है, बड़े पेलोड को। एंड इसके कारण क्या है कि हमें 1-2 सैटेलाइट जब भेजना पड़ता है तो इसमें बनाने की कॉस्ट भी क्या है, PSLV को बनाने की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो इसकी ये छोटा होगा तो इसका छोटा होगा तो इसकी कॉस्ट भी कम रहेगी और इसको हम क्या है जल्दी से बना भी सकेंगे। एंड तो ये क्या है मल्टीपल सैटेलाइट को भेज पाएंगे, इसमें ऑन डिमांड फैसिलिटी होगी जो कि प्राइवेट सेक्टर की होगी, उसको भी फुलफिल करने में ये हेल्प करेगा। तो आजादी सेट के बारे में हम देखें तो आजादी सेट में 75 payload से जो कि 750 यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स ने बनाए थे। ठीक है, इसमें सेल्फी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं एंड जो कि इसके सोलर पैनल की इमेजेस लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है धनुरी। तो धनुरी क्या है? ये एक लूनार ऑर्बिटर है, लूनार ऑर्बिटर यानी कि मून को ऑर्बिट करेगा।
किसका है? साउथ कोरिया का है, साउथ कोरिया का, ठीक है। तो ये लॉन्च किया जाएगा, साउथ कोरिया ने लॉन्च कर दिया है इसको, लॉन्च इट्स फर्स्ट लोनार ऑर्बिट धनुरी। इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स की फाल्कन 9 रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया है इसको। एंड इसको कहां से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया था केप कार्निवल, जो कि फ्लोरिडा में है, उस वहां से इसको लॉन्च किया गया। तो केप कार्निवल कहां पे? कनावेरल कहां पे है? फ्लोरिडा में है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। एंड तो इसको जो ट्रांसफर करने के लिए यूज की गई है वो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसको नाम दिया गया है बैलिस्टिक लूनार ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो इसका यूज की गई है, ठीक है, इसको ट्रांसफर करने के लिए लूनार के मून के ऑर्बिट में। एंड ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो लो एनर्जी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है, लो एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि इस बात इसमें मिनिमम एनर्जी का यूज किया जाता है अर्थ से मून के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए, जबकि हॉपमैन ऑर्बिट ट्रांसफर होता है उसमें ज्यादा एनर्जी का यूज किया जाता है। परंतु बैलिस्टिक न्यूक्लियर बैलिस्टिक लूनार ट्रांसफर की एक डिसएडवांटेज है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, परंतु एनर्जी और फ्यूल ये कम खाता है, तो इसका जो एनर्जी और फ्यूल का कंजम्पशन है वो कम होता है, टाइम ज्यादा लगता है। इसमें सन की ग्रेविटी भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड साउथ कोरिया यदि दिस मिशन यदि सक्सेसफुल रहेगा तो साउथ कोरिया वर्ल्ड का 7वां लूनार एक्सप्लोरर बन जाएगा आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना, जापान, इजराइल, इंडिया। तो इनके बाद में 7वां ये कंट्री बन जाएगा जो कि लूनार को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हायाबुसा 2 है। तो हायाबुसा 2 हायाबुसा मिशन है, ये जापान का है। हायाबुसा 1 एंड 2 दोनों ही जापान के हैं। एंड इनको पहले लॉन्च किया गया था, हायाबुसा 1 को 2003 में लॉन्च किया गया था, 2 को 2014 में लॉन्च किया गया, 2014 में लॉन्च किया गया 2014 में, ठीक है। तो दोनों ही क्या है? सैंपल रिटर्न मिशन है। क्या है? सैंपल रिटर्न मिशन है। हायाबुसा को भेजा गया है एक एस्ट्रॉइड पे, दोनों को अलग अलग एस्ट्रॉइड पे भेजा गया है। हायाबुसा 1 को एक एस्ट्रॉइड था जिसका नाम क्या है, 25,143 इटोकावा, ये एक नाम का एस्ट्रॉइड था, उस पे भेजा गया था हायाबुसा 1 को, ठीक है। एंड हायाबुसा 2 को भेजा गया है, एक एस्ट्रॉइड है रियुग्यू नाम का एस्ट्रॉइड है, वहां पे भेजा गया है। और उस एस्ट्रॉइड से कुछ एक सैंपल वहां से, ये वहां के रॉक उखाड़ के कुछ एक सैंपल लेके आएगा, वहां से सैंपल वापस अर्थ पे लेके आएगा, फिर उसको हम लोग स्टडी करेंगे। यदि ये हम ऐसा कर ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है रेयर अर्थ मेटल्स की, रेयर अर्थ मेटल की जरूरत है। और यदि हमारे को रेयर अर्थ मेटल वहां से लाने में चीपर पड़ गया तो हम वहां से स्पेस माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टडी करेगा, ये जो हायाबुसा 2 मिशन है तो ये स्टडी करता है रियुग्यू एस्ट्रॉइड को, एंड वहां से एक सैंपल रिटर्न मिशन है ये, जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा का, ठीक है, जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा का है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्जो मून। तो अभी साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें जिसके द्वारा वो लोग हबल स्पेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसका यूज करते हुए, हबल नहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करते हुए वो लोग है नए नए एक्जो मून डिस्कवर करेंगे। एक्जो मून क्या होते हैं? एक्जो मून पहले हम देख लेते हैं एक्जो प्लेनेट क्या होते हैं, ठीक है। एक्जो प्लेनेट ऐसा प्लेनेट होता है दैट ऑर्बिट अराउंड अदर स्टार लोकेटेड आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम। तो एक्जो प्लेनेट ऐसा प्लेनेट होता है जो कि रिवोल्व करता है सन के अराउंड, नहीं करता है, कोई दूसरा स्टार सन के अलावा दूसरा स्टार है उसके, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है उसके अराउंड में वो रोटेट करता है, ऑर्बिट करता है। एंड ये एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट होता है एक्जो प्लेनेट। एंड एक्जो प्लेनेट को जो रोटेट एक्जो प्लेनेट का जो मून होगा वो क्या होगा? एक्जो मून हो जाएगा, ठीक है। तो एक्जो प्लेनेट ऑर्बिट करता है अदर स्टार को, अदर देन सन, ठीक है। एक्जो मून एक्जो प्लेनेट का मून है, ठीक है। इन एक्जो प्लेनेट को डिटेक्ट किया जाता है फोटोमेट्रिक ट्रांजिट मेथड के द्वारा, इनको डिटेक्ट किया जाता है फोटोमेट्रिक ट्रांजिट मेथड के द्वारा, इनमें जो लाइट का कितना आता है इनका फेजेस डिटेक्ट किए जाते हैं। इसमें ज्यादा दिया हुआ नहीं है, इसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे।
तो सिग्नल फ्रॉम एक्सोमीन्स आर टू वीक टू डिटेक्ट होते हैं, इसलिए अभी क्या है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करेंगे इसको डिटेक्ट करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे एक्सोप्लेनेट और एक्सोमून्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सोमून इज अ नेचुरल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट एक्सोप्लेनेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ मून। तो मून में बहुत सारी फॉर्मेशन की थ्योरीज आती रहती हैं, तो इसमें पहली दो तीन थ्योरी बताई हैं। तो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है, अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून, एंड इट इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, ये फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है, एंड इट लैक एटमोस्फियर, ठीक है। तो इसमें मून का अपना कोई एटमोस्फियर नहीं है, हाइड्रोस्फियर नहीं है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है मून का अपना, एंड जो मून के सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी से 1/6 है। तो मून के सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है, 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। एंड जो इसमें बहुत सारी थ्योरी दी जाती है फॉर्मेशन ऑफ मून की, पहली जो इसमें से थ्योरी बताई हुई है वो है कैप्चर थ्योरी है। कैप्चर थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि मून है वो एक छोटे बच्चे की तरह कहीं गुम हो गया है, एंड उस बच्चे को पकड़ के किसी ने फोर्स्ड लेबर की तरह चाय की दुकान पे लगा लिया है और वो चाय बेच रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि मून को अर्थ ने कैप्चर कर लिया है और उसके अराउंड वो घूम रहा है, अर्थ की ग्रेविटी ने उसको कैप्चर किया और उसके अराउंड वो घूमने लग गया है, ठीक है। दूसरा है एक्रीशन थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि मून और अर्थ के साथ ही बना है, जब अर्थ बनी थी तभी मून बना था, एंड जब अपने अर्थ अपने एक्सिस पे जब अर्थ बहुत तेज गति से स्पिन करने लग गई थी तो एक पार्ट टूट के अर्थ का वो टूट के अर्थ के अराउंड घूमने लग गया है ऑर्बिट में, ठीक है। तीसरी जो थ्योरी बता रही है इसमें वो है जायंट इंपैक्ट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अर्थ पे अर्थ रोटेट कर रही थी तो कोई दूसरा प्लेनेट आया था, ठीक है, दूसरा स्मॉल प्लेनेट आया था और उससे अर्थ से टकराया था, अर्थ का एक छोटा सा भाग वो उसने निकाल के ले गया और वो छोटा सा भाग अर्थ को अराउंड रिवॉल्व करने लग गया। तो ये जायंट इंपैक्ट थ्योरी है। तो इसमें जायंट इंपैक्ट हुआ है किसका, अनदर स्मॉल प्लेनेट का, जिसके कारण क्या है मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लग गया है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। G(m1)(m2)/r² सबने पढ़ा होगा वो ग्रेविटेशन 11th क्लास में। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है दिगंत्रा। दिगंत्रा एक बेंगलुरु बेस्ड क्या है, प्राइवेट स्टार्टअप है जिसने इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी बनाई है। इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बनाई है, जो कि कहां पे लोकेटेड होगी, गढ़वाल उत्तराखंड में लोकेटेड होगी, गढ़वाल रीजन में। एंड ये किसकी है, डिजिंत्रा की है, प्राइवेट कंपनी है, कमर्शियल यानी कि प्राइवेट सेक्टर बनाएगा तो वो कमर्शियल यूज के लिए यूज करेंगे। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है, तो ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इसमें हम देखें तो ये स्पेस की सिचुएशन के बारे में हमें बताएगा। इस ऑब्जर्वेटरी से हमें स्पेस की सिचुएशन के बारे में पता चलेगी। तो स्पेस की सिचुएशन मतलब किसी ऑर्बिट में कितना ट्रैफिक है वो बताएगा, तो उस ऑर्बिट में हमें लॉन्च करना चाहिए या नहीं सैटेलाइट को, ये सारी बातें हमें बताएगा। तो उसमें कितना कोलिजन होने का डर रहता है या तो हमें कौन से ऑर्बिट में उसको लॉन्च करना चाहिए, ये सारी बातें बताएगा, या फिर हमें हमारी तरफ कोई भी एस्ट्रॉइड वगैरह आता है तो उसके बारे में ये जानकारी देगा। इसे जो डेटा आएगा वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्यांगोंग। तो ट्यांगोंग क्या है, ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि चाइना बिल्ड कर रहा है, जो कि लोकेट होगा लो अर्थ ऑर्बिट में, इसको लोकेट किया जाएगा यानी कि इस पे ये ऑर्बिट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ट्यांगोंग क्या है, चाइना का एक स्पेस स्टेशन है जो चाइना बना रहा है, एंड जो अभी का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो रिटायर होने वाला है 2031 में, 2031 में। तो चाइना को इन लोगों ने पहले बाहर निकाल दिया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से, तो फिर चाइना ने बोला कि मैं अपना खुद का बना लूंगा स्पेस स्टेशन। तो इसके लिए इसने पहले भी ट्रायल स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे, ट्यांगोंग 1, ट्यांगोंग 2, ये सारे लॉन्च किए थे इसके द्वारा। तो इसका ये ट्यांगोंग होगा वो इसकी अपनी पावर होगी,
इसका अपना प्रोपल्शन सिस्टम होगा, इसमें लाइफ स्टोर लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही होगा क्योंकि यहाँ पे रेस्ट कर पाएंगे ना, ठीक है, एस्ट्रोनॉट वगैरह जाएंगे तो, एंड लिविंग क्वार्टर भी होंगे इसमें। ये जो है चाइना का स्पेस स्टेशन है, ये रिफ्यूलिंग कैपेसिटी देगा, यहाँ पे पेट्रोल पंप की तरह काम करेगा ये, इसके लिए इसको रिफ्यूलिंग पावर देगा, किसके लिए, जुनटियन। तो जुनटियन क्या है, ये चाइना का नया स्पेस टेलीस्कोप है, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है चाइना का, जिसको ये रिफ्यूलिंग पावर देगा, ट्यांगोंग। ठीक है, तो ट्यांगोंग में कितने मॉड्यूल होंगे, 3 मॉड्यूल होंगे ट्यांगोंग में, 3 मॉड्यूल होंगे, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा होगा। ठीक है, एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी कितने हैं, 16 मॉड्यूल है, 16, ठीक है, 16 है, तो इसमें 3 होंगे ओनली, तो ये छोटा होगा ट्यांगोंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब रिटायर करेगा, 2031 में, 2031 में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है आर्टेमिस 1 लूनार मिशन। तो ये आर्टेमिस मिशन है वो, इसमें एक 3 मिशन लॉन्च किए जाएंगे अभी तक, लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मिशन है नासा का है, टू लॉन्च करेगा, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल टारगेट रखा गया है, एक वोमेन को लॉन्च करना है, भेजेगा मून पे, नासा एक वोमेन को मून पे भेजेगा इस मिशन में, एंड एक कलर आदमी, यानी कि एक कलर आदमी, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, यानी कि इंडियन भी हो सकता है, वो अफ्रीकन भी हो सकता है, उसको भेजेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इस मिशन में चाइना एक आर्टिस्ट, ये नासा है वो एक आर्टिमिस बेस कैंप बनाएगा सरफेस पे, ये सरफेस पे बेस कैंप बनाएगा, और एक गेटवे बनाया जाएगा लूनार ऑर्बिट में, ठीक है, लूनार ऑर्बिट में। तो गेटवे जहां से हम फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट विल बी लाइक टेम्पररी साइट की तरह होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही होगा, जिसको लूनार ऑर्बिट में बनाया जाएगा। तो आर्टेमिस 1 में 3 मिशन लॉन्च किए जाएंगे। आर्टेमिस 1 में क्या होगा, आर्टेमिस 1 का पहले नाम रखा गया था एक्सप्लोरेशन मिशन 1। आर्टेमिस मिशन का पहला नाम क्या था, एक्सप्लोरेशन मिशन 1, ठीक है। एंड ये क्या था, एक अनक्रूड, ये इसमें यानी कि बिना इसमें कोई आदमी का ये मिशन होगा, अनक्रूड मून ऑर्बिटिंग मिशन होगा, जो मून को ऑर्बिट करेगा। इसको लॉन्च किया जाएगा, इसमें 10 क्यूब सेट लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे सैटेलाइट इसमें लॉन्च किए जाएंगे। एंड इस मिशन में बेसिकली जो चाइना का स्पेस मॉड्यूल है, ओरियन क्रू स्पेस मॉड्यूल है, जिसमें ह्यूमंस को ले जाया जाएगा, एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ये अपना ओरियन स्पेस क्रू स्पेस मॉड्यूल है, उसको टेस्ट करेंगे नासा, एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है नासा की, उसको टेस्ट किया जाएगा इसमें। एंड ये अनक्रूड मिशन होगा, मून को ऑर्बिट करेगा ये, ठीक है। ये इसका पहला नाम क्या था, एक्सप्लोरेशन 1 मिशन, ठीक है। दूसरा इसमें आर्टेमिस 2 लॉन्च किया जाएगा, आर्टेमिस 2, ठीक है। तो ये एक क्रूड मिशन होगा, परंतु इसमें ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 2 कब लॉन्च किया जाएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा, एंड इसमें भी मून पे भेजा जाएगा, तो इसमें लैंडिंग नहीं की जाएगी, मून के अराउंड ऑर्बिट की जाएगी। तो ऑर्बिट में ये ऑर्बिटर होगा, केवल मून के ऑर्बिट में घूमेगा, वहां पे लैंड नहीं करेंगे आर्टेमिस 2 में, ठीक है। आर्टेमिस 3 में क्या है, लैंडिंग की जाएगी, ठीक है, एक वोमेन और बाकी जो क्रू होगा जितना भी, उसकी लैंडिंग की जाएगी। नासा ने अपना अपोलो 17 मिशन भेजा था, अपोलो 17 मिशन 1972 में भेजा था, उसके बाद भी ये नासा का कोई पहला मिशन होगा जहां पे ये ह्यूमंस को, एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंड कराएंगे, ठीक है। एंड ये जो लैंडिंग होगी उस साउथ पोल ऑफ मून पे होगी, ये साउथ पोल पे लैंड कराएंगे, ठीक है, जो मून का साउथ पोल होगा वहां पे ये लैंडिंग होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एक प्रोटीन है, हीम प्रोटीन, यानी कि हेमोग्लोबिन से बनने वाला प्रोटीन है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एंड ये अभी देखने में आया है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह फंक्शन करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह फंक्शन करता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो साइटोक्रोम क्या है, एक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोजेक्ट गलीफाई। तो हमारी गली है, तो उनकी मैपिंग करी जाएगी, इसमें हमारी गलियों की मैपिंग कर रहा है गूगल। तो गूगल का स्ट्रीट व्यू फीचर है, उसको 3D में लॉन्च किया गया था इंडिया में 10 सिटीज में। तो स्ट्रीट व्यू फीचर लॉन्च कर दिया गया था 10 सिटीज में इंडिया में।
इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके वो लोग इसमें बताएंगे 360 डिग्री व्यू ऑफ स्ट्रीट्स का इसमें दिया जाएगा, गलियां यानी कि स्ट्रीट या गली का। तो इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट गलीफाई, किसका है, गूगल का है, ठीक है। गूगल का जो स्ट्रीट व्यू है उसी का है, 360 डिग्री व्यू इसमें दिया जाएगा एंड जो भी कैमरा से डाटा कैप्चर करेंगे ये लोग। तो इसमें इंडियन पार्टनर इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से हैं, टेक महिंद्रा को इसको इंडियन पार्टनर बनाया है गूगल ने, टेक महिंद्रा एंड एक और कंपनी है जेनेसिस, जेनेसिस इंटरनेशनल, ये दो इसके इसमें पार्टनर हैं गूगल के, ठीक है। तो जो हमारी नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी आई थी 2021 में, नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2021, उसके अनुसार कोई भी बाहर की फर्म, कोई भी फॉरेन फर्म है उसको यदि जियोस्पेशियल डेटा कलेक्ट करना है तो उसको इंडिया में एक इंडियन पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तब वो कोई भी इंडिया से डेटा कलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये डेटा कलेक्शन का काम है वो टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल कर रहे हैं, फिर ये जो डेटा है वो लाइसेंस पे उसको दिया जाएगा, गूगल को दिया जाएगा, ठीक है। तो लोकल कंपनीज कैन कलेक्ट डाटा एंड फॉरेन फर्म कैन लाइसेंस द डेटा फ्रॉम इंडियन एंटिटी टू सर्व देयर कस्टमर इन द कंट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एन्यूरिज्म, तो ये क्या है एन्यूरिज्म, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं यानी कि आर्टरीज और वेन, उसमें क्या होती है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण वो ब्लजिंग हो जाती है। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, पाइप सी होती है तो उसमें डिपॉजिट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो ये ऐसा बन जाएगा, ब्लजिंग हो जाती है इसकी, डिपॉजिट हो जाएगा तो इससे ब्लड फ्लो करेगा, यहां पे ब्लड फ्लो करने में दिक्कत होगी, ब्लजिंग हो जाएगी, तब डिपॉजिट हो जाएगा मटीरियल, तब इसमें दिक्कत हो रहा है, तब ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो यहां पे इसके क्या है रप्चर हो जाएगा, ये बर्स्ट भी हो सकता है, जब बर्स्ट हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएगी एंड इसमें स्ट्रोक का खतरा भी रहता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है इसके कारण ज्यादा डिपॉजिट हो जाए तो। देन तो इसको दूर करने के लिए इस एबनॉर्मल ब्लूनिंग को क्या बोलते हैं एन्यूरिज्म बोलते हैं एंड एन्यूरिज्म को दूर करने के लिए स्टेंट बॉडी में डालते हैं, इनमें ब्लड वेसल में स्टेंट डाला जाता है जिसके कारण क्या है जो ब्लड का जो फ्लो यहां से यहां हो रहा है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है स्टेंट्स के द्वारा, यहां से सीधा स्टेंट डाल के इसको फ्लो को डाइवर्ट कर देंगे, इसमें से जो यहां से जा रहा था वो अभी यहां से चला जाएगा और ये जो बीच में जो ब्लजिंग है वो पड़ा रहेगा बीच में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लो डाइवर्जन स्टेंट, इज ए इनोवेटिव इंटरवेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरिज्म फॉर द इनिशियल स्टेजेस, यदि ये फटा हुआ नहीं है, यदि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हो रही है तब इसको इनिशियल स्टेज में इसको फ्लो डाइवर्जन स्टेंट का यूज किया जाता है एंड ये मेटल के बने होते हैं स्टेंट्स, सिलेंड्रिकल्स पाइप्स जैसी होती है छोटी छोटी नैनो स्केल वाली। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फाइबराइजेशन, तो फाइबराइजेशन क्या होता है, इसमें जो टावर्स होते हैं रेडियो टावर्स को, एक दो रेडियो टावर को आपस में फाइबर केबल से जोड़ने को बोलते हैं फाइबराइजेशन, दो टावर हैं ए और बी, उन दोनों को आपस में फाइबर केबल से जोड़ने की प्रोसेस को फाइबराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग रेडियो टावर्स विद ईच अदर वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है, एंड इट हेल्प टू प्रोवाइड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क कैपेसिटी, इसमें ज्यादा इंटरनेट हम यूज कर पाएंगे एंड हमारे देश में जो फाइबर पर किलोमीटर पर कैपिटा कितना है, इंडिया में फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा इज 0.09 है, जबकि मोस्ट कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में 1.3 है। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर का जो डेंसिटी हम देखें तो वो कितनी है 0.09 है एंड कंट्री लाइक जापान यूएसए में 1.3 से ज्यादा है। तो जो कंट्री 1.3 किलोमीटर हो जाएगा तो उसको आइडियल माना जाता है, उसका अच्छा कनेक्टिविटी होता है, डिजिटल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन तो ये एक केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है सेरोटोनिन का, इसको बोला जाता है 5-HT बोला जाता है इसको, 5-हाइड्रोक्सी ट्राइपेटामाइन, इसका जो केमिकल नेम है 5-हाइड्रोक्सी ट्राइपेटामाइन, ठीक है। तो ये एक स्टडी आई है जिसने बोला है कि डिप्रेशन है वो इसकी वजह से नहीं होता है, तो सेरोटोनिन इंबैलेंस की वजह से डिप्रेशन नहीं होता है,
इसका यदि ये ब्रेन में पाया जाता है सेरोटोनिन, तो ये क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल को ट्रांसफर करता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो ये सेरोटोनिन क्या होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि जो सिग्नल को ट्रांसफर करता है बिटवीन न्यूरॉन्स, एंड ये हेल्प करता है मूड को, हमारे जो मूड को रेगुलेट करने में, अच्छा मूड हो खराब मूड हो, सोशल बिहेवियर हमारा कैसा है, देन एपेटाइट भूख लगना, डाइजेशन, स्लीप, मेमोरी, सेक्सुअल डिजायर, ये सारा कंट्रोल करने में सेरोटोनिन का एक योगदान रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेस से कोप करने में भी इसका, परंतु इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता है कैसे ये करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज को हमने रशिया से लिया था, इसको लगभग 35 साल हो गए हैं सर्व करते हुए, तो इसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है। ये क्या है, ये एक किलो क्लास की सबमरीन है, किलो क्लास की सबमरीन है जिसको 1987 में इंडक्ट किया गया था। तो ये हमने रशिया से लिया है, तो इसके बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड INS सिंधु ध्वज इज ओनली सबमरीन है जिसको अवार्ड दिया गया था, CNS रोलिंग ट्रॉफी है फॉर इनोवेशन, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई थी। एंड इसमें हमने रुक्मिणी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी यूज किए थे इंडिजिनाइज, ठीक है, से इसको जो प्रोवाइड करने, नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। चिनूक हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चिनूक हेलीकॉप्टर किसका है, यूएसए का है, यूएसए का है। तो इसमें किसी एक हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ गई थी जिसके कारण यूएस ने अपनी जो इसकी हेलीकॉप्टर की जितनी भी फ्लीट थी उसको उन्होंने बोला है कि तुम वो उड़ाएंगे नहीं, अभी ग्राउंडेड कर दिया गया है ताकि उसमें जो भी खराबी है उसको डिटेक्ट कर पाए। और इंडिया ने यूएसए से ये खरीदे हैं 15 चिनूक हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर ये यूएसए का है, अमेरिका का ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है ये, ट्विन इंजन यानी कि इसमें दो इंजन लगे हुए हैं, एंड ये एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसको सामान ढोने के लिए भी यूज किया जाता है, और डिजास्टर आ जाए तब वहां पर रिलीफ है, एक्सक्यूशन है, वहां से लोगों को निकलवाने के लिए, इवेक्यूशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये लगभग 10 टन का जो वेट है वो ले जा सकता है, गुड्स एंड कार्गो है वो ले जा सकता है ये 10 टन का। तो ये एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है यूएसए का, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इन्फ्लेटेड एरोडायनामिक इन्फ्लेटेड एरोडायनामिक डेसिलेटर, ठीक है। तो इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था रोहिणी साउंडिंग रॉकेट से, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RH-300। तो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट होती है उसको हम लॉन्च करते हैं हमेशा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट स्टेशन से, उसको लॉन्च किया जाता है, एंड इसी में रोहिणी रॉकेट सीरीज पे इसको ले जाया गया था, फिर हमने इसको टेस्ट करने की कोशिश की थी, ठीक। इसको टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा, ठीक है, इसको डेवलप किया गया इसरो के द्वारा ही। एंड तो रोहिणी सीरीज साउंडिंग रॉकेट होती है, हम वो किसी भी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रोहिणी सीरीज साउंडिंग रॉकेट होती हैं, उनका हम एटमोस्फेयर की स्टडी करने के लिए भी यूज करते हैं, और ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है IAD, इन्फ्लेटेड एरोडायनामिक डेसिलेटर क्या होता है, इसमें ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ से बाहर से कोई भी एंटर करना चाहता है, तो एंटर करना चाहता है तो उसमें उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, उसको स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ के बाहर तो एटमॉस्फेयर है नहीं, अर्थ में थोड़ा एटमॉस्फेयर है, तो जिसके कारण फ्रिक्शन लगेगा तो वहां पे उसमें आग लगने का खतरा रहता है, तो उसमें इसमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है एंट्री को। तो ये इन्फ्लेटेड एरोडायनामिक डेसिलेटर है, ये हमें हेल्प करेगा डेसिलेट इन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बाहर से आ रहा है, यानी कि हम कोई भी गगनयान भेजेंगे स्पेस फ्लाइट, उसको वापस एस्ट्रोनॉट को धरती पे लाना है, तो उनको धरती पे लाना पड़ेगा ना सेफली, तो उसके लिए हमें उनकी लैंडिंग करानी पड़ेगी सक्सेसफुली, तो उसके लिए उनकी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इट विल बी इट सर्व टू डेसिलेट ऑब्जेक्ट प्लंगिंग डाउन थ्रू द एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर से जो नीचे आ रहा है उसको स्पीड को कम करने में हेल्प करेगा। एंड इसमें इट्स लाइक जो होता है, क्या होता है, बैलून वाला होता है ना वो, एक इट इज अ टेक्निक यूज फॉर एटमोस्फेयर एंट्री, उसके बारे में इसको डेवलप किया गया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, इसको डेवलप किया गया है। एंड
उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे, नाम भूल गया मैं। ये इट्स लाइक अ बैलून, चलो इसको देखेंगे बाद में। रोहिणी आरक्स सीरीज है वो 200 सीरीज है। अभी जो ऑपरेशनल कौन सी है रोहिणी सीरीज में है, आरएस 300 है, सराउंडिंग ओकेट है, एंड आरएस 560 है वो इसका में ऑपरेशनल है। यहाँ पे 200 क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 200 डिनोट कर रहा है डायमीटर, यस इसका डायमीटर है रॉकेट का कितना डायमीटर है सेंट मिलीमीटर में, 200 मिलीमीटर के डायमीटर की ये रॉकेट है, ठीक है। हम स्पेस वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 से 10 अक्टूबर, 4 to 10 अक्टूबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक को। साउंडिंग रॉकेट क्या होती है, तो साउंडिंग रॉकेट कैन बी 1 stage or 2 stage रॉकेट हो सकती है, एंड ये सॉलिड प्रोपेलेंट में यूज किया जाता है, 1 stage or 2 stage सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होती है, दैट इज यूज टू स्टडी द अपर एटमोस्फेयर एंड फॉर स्पेस रिसर्च के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एंड साउंडिंग रॉकेट्स टेक्स देयर नेम फ्रॉम द न्यूटिकल टर्म टू साउंड, तो साउंडिंग का मतलब क्या होता है, टू साउंड होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू टेक द मेजरमेंट, तो साउंडिंग का मतलब होता है टू टेक द मेजरमेंट, तो ये बाहर के स्पेस में एटमोस्फेयर में मेजरमेंट लेने के लिए इसका यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इट आल्सो सर्व एज एन इजिली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि एरोडायनामिक इन्फ्लेटर है उसको टेस्ट करने के लिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसरो ने पहली बार सक्सेसफुल जो रोहिणी रॉकेट किया था वो 1975 में किया था, 1975 में, वैसे तो हमने इसको 1967 में ही लॉन्च कर दिया था, एंड आरएच 75 को 1975 साउंडिंग रॉकेट थी वो रिटायर हो चुकी है अभी, उसको हमने लॉन्च किया था 1967 में, ठीक। इसके अलावा आरएच 100 भी थी, आरएच 125 है, ये रिटायर हो चुकी है। बाकी जो 200 वाली है, आरएच 200, आरएच 300 एंड आरएच 560 है मार्क 3, ये क्या है अभी ऑपरेशनल है इंडिया में, ये तीन ऑपरेशनल है 200, 300 एंड 560, बाकी ये रिटायर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है काई मिंग जिंग 50, ये क्या है, चाइना का लार्ज अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका नाम दिया गया है काई मिंग जिंग, ठीक है, काई मिंग जिंग 50 है, ये एक लार्ज अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, किसका है, चाइना का है, यूएवी है, एंड ये हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है, हाई एल्टीट्यूड, इसका लॉन्ग एंड्यूरेंस टाइम है, हाई एल्टीट्यूड यानी कि अर्थ के सर्फेस में 20 किलोमीटर पे, यानी कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई कर सकता है, एंड तो 8 से 18 किलोमीटर हम जानते हैं कि अर्थ वहां से ट्रोपोस्फीयर होती है, 8 से 18 किलोमीटर तक, पोल पे 8 किलोमीटर होती है, एंड यहाँ पे इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक जो लेंथ होती है ट्रोपोस्फीयर की, फिर ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि 20 किलोमीटर में आएगा, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई कर पाएगा, एंड ये लॉन्ग एंड्यूरेंस है यानी कि 2-3 दिन, इसमें टाइम तो नहीं लिखा हुआ है कितने तक है, काफी टाइम तक ये हवा में रह सकता है, एंड इसको यूज किया जाएगा रिकॉन्सिनेंस के लिए, फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इनके लिए चाइना यूज करेगा इसको। इसका एक और नाम भी है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है इसको, मॉर्निंग स्टार 50 भी कहते हैं, या फिर सीधा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है क्विन मिंग जिंग को। ये एक क्या है, यूएवी है चाइना का, ठीक है। तो कंट्रीज फर्स्ट मेजर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है दैट इट इज, इसको जो है ये कंप्लीटली है वो सोलर पावर पे रिलाई करेगा, टोटली सोलर पावर पे रिलाई करेगा ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मिनिटमैन 3, तो मिनिटमैन 3 है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यूएसए की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो ये यूएसए, ये थर्ड मिसाइल है, तो पहली वाली 1950 में ये मिनिटमैन मिसाइल है यूएसए ने बनानी शुरू की थी, एंड ये एक एक्जो एटमोस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, फिर वापस री एंट्री करती है और फिर अपने टारगेट को उड़ाती है। तो ये मल्टी टारगेट्स को हिट कर सकती है, बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ में हिट कर सकती है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मार कर सकती है, 10,000 किलोमीटर की रेंज है, एंड
ये थर्ड मिशन है इसका, ठीक है। तो एक्जो एटमोस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि बाहर जाके फिर वापस एटमोस्फेयर में एंटर करती है ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक एक क्लॉक होती है दैट इज डिजाइन टू मेजर द प्रसाइज लेंथ ऑफ टाइम सेकंड। तो ये इसमें प्रसाइज लेंथ ऑफ सेकंड को मेजर करने के लिए हम एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। एंड इसमें जो एरर बहुत कम आती है, एक सेकंड की एरर आती है 100 मिलियन साल में, ओनली 1 सेकंड की एरर आती है 100 मिलियन ईयर्स में एटॉमिक क्लॉक में। तो एटॉमिक क्लॉक में जो पेंडुलम की तरह यूज किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वन स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में, जो ट्रांजिशन होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे टाइम पीरियड निकालते हैं। तो इट यूजेस द एटम मोर प्रिसाइजली द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एज देयर पेंडुलम। तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में इलेक्ट्रॉन सेल्स में फिल होते हैं, एस सेल होती है, फिर एस पी होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। तो यहाँ पे इनका जो ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको ये लोग यूज करते हैं। जनरली इसमें सीजियम का यूज किया जाता है, सीजियम की जो फ्रिक्वेंसी है वो ये लोग यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक में, ठीक है। इट इज फार मोर प्रसाइज देन द कन्वेंशनल क्लॉक से बहुत ज्यादा ये प्रसाइज भी होती है, स्टेबल भी होती है, चेंज भी नहीं होती है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम स्केल है वो निकालने में, और लोकल टाइम स्केल निकालने में भी यूज किया जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम के द्वारा उसकी कैलकुलेशन की जाती है। वन ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड यूज टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम एंड लोकल टाइम अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में भी यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी। लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी वो पार्ट है RBI का। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी वो RBI की एक आर्म है। उसने एक लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क सिस्टम बनाया है जो कि बेस्ड होगा लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। तो इसने एक फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया है जो कि लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। एंड लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी क्या होती है, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज अ वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है जिसको फिजिकल लेयर में यूज किया जाता है। इट इसमें जो है वो सिर्फ पल्सेस होती हैं जिससे डॉल्फिन एंड बेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वही जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इसमें लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी में यूज किया गया है। तो इट इज अ वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक विच अलाउ द लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूज कर पाएंगे यूजिंग द चिर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो चिर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम का यूज करते हुए इसको बनाया गया है। इट इनकोड द इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव यूजिंग द चिर्प पल्सेस। तो ये जो पल्सेस वेव्स होती हैं उन पे ये एनकोड कर देगी इंफॉर्मेशन को, इसको लॉन्ग रेंज में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा यूजिंग द चिर्प वेव्स, ठीक है। जैसे सिमिलर टू द डॉल्फिन एंड बेट, बेट और डॉल्फिन एक दूसरे के साथ चिर्प पल्सेस से कम्युनिकेट करते हैं। इट यूजेस डेडिकेटेड रेडियो वेव्स व्हिच आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन द यूजर एंड यूजर डिवाइसेस होती है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, तो इसमें इसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए डेडिकेटेड रेडियो सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो इसी काम के लिए यूज किया जाएगा, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी वाले के लिए ही यूज किया जाएगा, जो कि जो नॉर्मल डिवाइसेस होती है उन पे काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड जिसके कारण क्या है, इसमें इंटरफेरेंस कम होगा, तो जिसके कारण इंटरफेरेंस कम होगा तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक इजिली ट्रांसफर किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कॉफी रिंग इफेक्ट। तो कॉफी रिंग इफेक्ट, तो फिजिक्स में कॉफी रिंग इज द पैटर्न लेफ्ट बाय ए पडल ऑफ पार्टिकल लेडल लिक्विड आफ्टर इट वेपोरेट्स। तो कोई भी लिक्विड ड्रॉप होती है, वो कोई भी लिक्विड की ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, तो उसके सबसे पहले जो इसका जो वेपोरेशन होता है वो इसकी एजिस से होता है, क्योंकि एजिस पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वहां पे हीट ज्यादा होती है, ठीक है। हीट का जो लॉस होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा, वेपोरेशन तो बाहर से होता है ज्यादा, तो धीरे धीरे क्या है इसका जो लॉस होता है वो बाहर से होता है, तो जो अंदर वाला जो लिक्विड है
वो बाहर की तरफ ज्यादा, जैसे जैसे बाहर वाला इवेपोरेट होगा, ये आउटर लेयर इवेपोरेट होगी, तो अंदर से बाहर की तरफ लिक्विड मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो एंड में जो बचेगा, तो वो जब ये पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो ऐसी एक शेप बन जाएगी, उसको कॉफी रिंग इफेक्ट बोलते हैं। द लिक्विड इवेपोरेट फास्टर एट द एजेस इंड्यूसिंग ए फ्लो फ्रॉम द ड्रॉपलेट इंटीरियर टुवर्ड द आउटसाइड। ये बाहर की तरफ जाएगा तो यहां पे ये एंड में क्या है, ऐसा एक पैटर्न सा डेवलप हो जाएगा। जब लिक्विड मूव करेगा इनर टू आउटर, तो ये यहां पे एक वो छोटे छोटे वो मार्क्स छोड़ देगा, तो मार्क्स छोड़ देगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा, एक कॉफी रिंग, टू डायमेंशनल कॉफी रिंग, एक रिंग सी दिखाई देगी जब वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो जिस आप पिक्चर में देख सकते हो इधर, उसको कॉफी रिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसका इफेक्ट का यूज किया जाएगा फ्यूल सेल्स बनाने में, फ्यूल सेल्स डिस्प्ले सेंसर को बनाने में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। तो DRDO ने ये डेवलप की है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स हैं ये, कि इसको आदमी कैरी कर सकता है, ठीक है। एंड ये शॉर्ट रेंज का जो टारगेट होगा उसको उड़ाने का काम करेगी, उसके अगेंस्ट में इसको यूज किया जाएगा। तो ये वेरी शॉर्ट रेंज यानी कि बहुत ही छोटी रेंज वाली मिसाइल के अगेंस्ट में डिफेंस के लिए इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो DRDO ने कंडक्ट किया था 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ वेरी, इसके जो टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट हो चुकी है, सक्सेसफुल है। तो ये क्या है, एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जैसे कि जो मूवी आई थी बॉर्डर मूवी में, वो सनी देओल लेके चलता है ना वो मिसाइल लॉन्चर, उस जैसा ही होगा, या मेन पोर्टेबल होगा। तो ये शॉर्ट रेंज का होगा एंड लाइट वेट होगा, यानी कि इसमें आदमी को ले जाना है तो ये शॉर्ट लाइट वेट होगा। एंड ये सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, सरफेस से एयर, यानी कि जो नीचे कोई भी लो एल्टीट्यूड वाली मिसाइल आ रही है, वहां पे वुमेन्स जो सोल्जर होंगे वो इसको अपने कंधे से ही लॉन्च कर पाएंगे एंड उसको उड़ा देंगे, ठीक है। पाकिस्तान कोई मिसाइल लॉन्च करेगा छोटी नीचे से ही लॉन्च करेगा, तो उसको उड़ाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एंड ये शॉर्ट रेंज वाली होगी। इसको डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत है, जो DRDO की एक बिल्डिंग है, एक लैब है, रिसर्च सेंटर इमारत DRDO की एक लैब है जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, उसने इसको डेवलप किया है। एंड इसमें क्या है, डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगी हुई है एंड ये हेल्प करेगा न्यूट्रलाइजिंग लो एल्टीट्यूड टारगेट को, लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट ए शॉर्ट रेंज। तो ये शॉर्ट रेंज पे उसको उड़ाने का काम करेगा, तो उससे उड़ा देगा तो हमें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए डिफेंस सिस्टम बन जाएगा। नेक्स्ट इज DART मिशन इज DART की फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये नासा ने लॉन्च किया था, ये सक्सेसफुल भी हुआ था, ठीक है। तो DART मिशन वाज लॉन्च बाय नासा, तो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट सक्सेसफुली क्रेस्ट इनटू द डायमॉर्फस। तो डायमॉर्फस एक मूनलेट है, एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम क्या है, डिडीमोस नाम का एक एस्टेरॉयड है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, छोटा सा एस्टेरॉयड है जिसका डायमीटर 0.5 माइल ही है बस। तो उसका एक मूनलेट है, यानी कि उसका एक छोटा सा मून है जिसका नाम क्या है, डायमॉर्फस है। तो उसको अभी उसका जो वो एक ऑर्बिट में घूम रहा था पहले, ठीक है, इसके अलाउंड डिडीमोस के अराउंड ये डायमॉर्फस घूम रहा था इस ऑर्बिट में, ठीक है, ओरिजिनल ऑर्बिट उसका ये था, ठीक है। अभी DART मिशन में क्या किया है कि नासा ने एक स्पेस अपना सैटेलाइट स्पेस सैटेलाइट कह लो या फिर इसका स्पेस जो स्पेस क्राफ्ट भेजा है, ठीक है, एक अपना एक स्पेस क्राफ्ट या जहाज भेजा है जो कि इससे टकराया है, डायमॉर्फस से टकराया है, और उसका उसने क्या किया है, ऑर्बिट चेंज कर दिया है। तो ओरिजिनल से उसका नए ऑर्बिट में ये क्या है, अभी ऑर्बिट करने लग गया है। इसका जो इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट किया है DART ने, DART जो कि नासा का स्पेस क्राफ्ट है, उसने इस पर क्या इंपैक्ट किया है वो स्टडी किया जाएगा
हीरा के द्वारा, हेरा हेरा है, ये मिशन होगा हेरा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च करेगी, वो इसको क्या इंपैक्ट हुआ है वो स्टडी करेगा, ठीक है। एंड इस पे हमने देख लिया इसका यूज क्या है, फिर दैट मिशन को हमने क्यों दे रहे हैं, तो क्योंकि ये एक प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा, इसको यूज किया जाएगा प्लेनेटरी डिफेंस में। तो ये अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ की तरफ कोई भी एस्ट्रॉइड आ रहा है, जब कोई अर्थ की तरफ एस्ट्रॉइड आ रहा है तो हमें उसको बचाने, तो अर्थ पे यदि इंपैक्ट कर गया तो उस पर काफी डिवास्टेटिंग इंपैक्ट हो सकता है, वो मान लेते हैं किसी सिटी पे गिर जाए तो वहां पे काफी लोगों की मौत हो सकती है, तो उसको रिडायरेक्ट करने के लिए, जो यानी कि जो अर्थ में ऐसे आ रहा है, कोई भी एस्ट्रॉइड आ रहा है ऐसे अर्थ पे ही वो उसका इंपैक्ट होने वाला है, तो फिर हम क्या है ऐसे यहां से कोई मिसाइल लॉन्च करेंगे, फिर ठीक है स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करके उससे यदि हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को बदल दें, कि उसकी ट्रेजेक्ट्री जो ऐसे ए में आ रहा था ए में, तो उसकी हम ट्रेजेक्ट्री ऐसे कर दें बी की तरफ, थोड़ा सा किसको घुमा दें ट्रेजेक्ट्री, तो वो क्या है अर्थ के बाईपास हो जाएगा, तो अर्थ पे पड़ेगा नहीं, उसका ऑर्बिट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसका इंपैक्ट अर्थ पे होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्बिट से बचाने के लिए ही इस आगे कभी हमें जरूरत पड़ती है तो इस टेक्नोलॉजी का अभी हम क्या है परीक्षण कर रहे हैं, नासा इसका परीक्षण किया है, एंड तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं अर्थ को, ठीक है। तो नासा स्पेस मिशन दैट एम्स टू टेस्ट ए मेथड ऑफ प्लेनेटरी डिफेंस अगेंस्ट द नियर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इट वाज डिजाइन टू असेस द एबिलिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट बनाया गया था डार्ट वाला, टू डिफ्लेक्ट एस्ट्रॉइड थ्रू द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो इंपैक्ट करेगा ये इसमें जो है मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें अपना मोमेंटम ये ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर करेगा तो ये काइनेटिक इंपैक्ट होगा ना, काइनेटिक इंपैक्ट से मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, तो जिसके कारण इसका जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। द स्पेस द प्रोब लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इंटेंसली इंपैक्टेड द डायमॉर्फस को इसने इंपैक्ट किया है, एंड ये डायमॉर्फस क्या है एक मूनलेट है डिडिमोस का, ठीक है। इसका जो इंपैक्ट स्टडी करेगा वो हेरा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो नेक्स्ट मिशन होगा स्पेसक्राफ्ट होगा वो लॉन्च किया जाएगा 2024 में, वो इसका इंपैक्ट को स्टडी करेगा, ठीक है। एंड इसमें अनदर कंट्रीज जैसे कि दूसरे कंट्री हैं, जापान है, इटालियन है, इटली है, वे भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस मिशन को, एंड इसके जो मिशन से फिर देख के चाइना को भी जोश आ गया कि चाइना भी कहता है कि वो भी ऐसा कोई मिशन लॉन्च करेगा जिसमें वो अर्थ को सेव कर पाए, उसको अपने पावर दिखाने के लिए वो बोल रहे हैं कि एक एस्ट्रॉयड और है 2020 PN1 ये एस्ट्रॉयड है, उस पर ऐसा ही मिशन लॉन्च करने का प्लान बना रहा है चाइना, ठीक है चाइना। एंड यदि हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं वहां से, तो रेयर अर्थ मेटल को हम तो सैंपल रिटर्न मिशन से ही हम ये तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो नासा का एक प्रोग्राम था एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट मिशन था नासा का, एंड उसको अभी बंद कर दिया गया है, उसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, तो उसका एक पार्ट होना था डार्ट मिशन, तो एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट मिशन किसका होना था नासा का होना था, जिसको अभी बंद कर दिया गया है, यानी कि उसको ठंडे बैग में डाल दिया गया उस प्रोजेक्ट को, एंड वहां से ये प्लान कर रहे थे कि 20 टन की स्पेस रॉक है वो अर्थ पे लेके आए, यानी कि स्पेस माइनिंग को बनाने के लिए, स्पेस से जो रॉक को लाने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे, तो उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा राशिद रोवर, तो राशिद रोवर है ये यूएई का है, यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, ये फर्स्ट मिशन है जो कि अनमैन्ड होगा, यानी कि इसमें कोई आदमी नहीं होगा, टू मून, ये मून पे जाएगा, यानी कि लूनार ऑर्बिटर है नासा का, ये नासा का नहीं है यूएई का है, ठीक है यूएई का, ठीक है यूएई, यूएई का जो मार्स का मिशन है उसका नाम क्या है होप है, एंड इसको लॉन्च किया जाएगा, इस ये जो लैंड करेगा कहां पे लैंड करेगा, इसको लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर है जो कि फ्लोरिडा में है, वहां से लॉन्च किया जाएगा 2024 में राशिद रोवर को, ये कि यूएई का है, एंड ये कहां पे लैंड करने की कोशिश करेगा, लेक ऑफ ड्रीम्स इक्वेटर के पास, यानी कि मून का, ये मून है तो मून के इक्वेटर के पास एक साइट है जिसको बोलते हैं लेक ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं, जिसका नाम क्या है लेकस सोमनीरियम, इसका जो नाम है लेक ऑफ ड्रीम्स का वो है लेकस सोमनीरियम, सोमनीरियम ये एक मून पे साइट है, वहां पे ये यूएई का जो मिशन है वो लैंड करेगा, ठीक है स्पेसक्राफ्ट वो लैंड करेगा राशिद, एंड ये जो अर्थ का प्लाज्मा होगा, मून का प्लाज्मा होगा उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा,
एंड यदि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो राशिद रोवर होगा ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रोवर होगा जो कि मून पे लैंड करेगा, मून पे लैंड करेगा, ठीक है। एंड ये इसमें कितना 10 केजी का ही है केवल। एंड तो यूएई यदि ऐसा कर पाता है, यदि यूएई मून पे लैंड कर पाता है तो यूएई क्या कौन सा कंट्री बन जाएगा, फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो कि सक्सेसफुली लैंड कर पाएगा। इंडिया ने कोशिश की थी चंद्रयान 2 में, जो हमारा विक्रम रोवर था, विक्रम लैंडर था, वो क्रैश हो गया था चंद्रयान 2 में। यदि यूएई ऐसा कर पाता है तो वो फोर्थ कंट्री बन जाएगा, फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मून आफ्टर यूएस, सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो तीन कंट्रीज हैं जो कि सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं मून पे, यूएसए, सोवियत यूनियन एंड चाइना, ठीक है। इंडिया, इसराइल एंड जापान फेल हो चुके हैं, ठीक है, उनकी लैंडिंग में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, कहां पे ओपन किया गया है। इसको ओपन किया जा रहा है हैनले लद्दाख में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस किया था कि हम अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व एस्टेब्लिश करेंगे हैनले लद्दाख में, ठीक है, जो कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी उसमें लोकेटेड होगा। एंड वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है वो कौन सा था, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है वो है मैगांटिक जो कि कनाडा में है, ठीक है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है। एंड डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, ये एक जमीन का टुकड़ा होता है जो कि प्राइवेट भी हो सकती, कोई भी प्राइवेट जमीन हो सकती है, प्राइवेट लैंड हो सकती है, या फिर पब्लिक की जो लैंड हो सकती है, जहां पे मिनिमम लाइट पोल्यूशन हो, जिससे क्या है ब्राइट स्काई दिखाई दे, ब्राइट स्काई दिखाई देगा तो ब्राइट रात में ब्राइट स्टार दिखाई देंगे, तो यहां से हमारे को एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च करने में आसानी होगी, ठीक है। इट इज ए पब्लिक और प्राइवेट लैंड विद ए डिस्टिंग्विश्ड नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट इन स्टारी नाइट दैट हैज बीन डेवलप्ड रिस्पॉन्सिबिली टू प्रिवेंट द लाइट पोल्यूशन। यहां पे मिनिमम लाइट पोल्यूशन है, ठीक है। तो ये डार्क रिजर्व का स्टेटस है वो कौन देता है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, जो कि एक एनजीओ टाइप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का। तो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन किसका है, यूएसए में लोकेटेड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये डार्क स्काई रिजर्व का स्टेटस किस किस को दिया जा सकता है, 5 कैटेगरीज में इसको दिया जाता है। पार्क्स को दिया जा सकता है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, देन इट कैन बी गिवन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिया जा सकता है, जो कि अभी दिया गया है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हैनले को में इसको दिया गया है, ठीक है। थर्ड, इट कैन बी रिजर्व हो सकता है। फोर्थ, कम्युनिटीज को दिया जा सकता है। देन पांचवा है अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस। तो अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस है, पार्क वगैरह अर्बन लोकेशन में होगा तो उसको दिया जा सकता है। तो पांच कौन कौन से, पार्क, सेंचुरी, रिजर्व, कम्युनिटी एंड अर्बन नाइट स्काई लोकेशन या फिर प्लेसेस को दिया जा सकता है, जबकि उसका कुछ क्राइटेरिया है इसका देने का, यदि मीट करेंगे तब उनको ये स्टेटस दिया जा सकता है, ठीक है। एंड जो हैनले डार्क स्काई रिजर्व है वो कि वो 4500 मीटर अबव मीन सी लेवल से लोकेटेड होगा, 4500 मीटर अबव मीन सी लेवल से लोकेटेड होगा, लद्दाख में ये पड़ेगा, लेह लद्दाख में। एंड इट इज लोकेटेड विद इन चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारा वो, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कहां लोकेटेड है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है, वो इसको क्या है, रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट देंगे। तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, टू बूस्ट द एस्ट्रोनॉमिक टूरिज्म को बढ़ाना है इन ए सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। एंड ये जो लोकेशन है हैनले लद्दाख वाली है, वो एक कोल्ड डेजर्ट लोकेशन है इंडिया की, जहां पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर होता है, तो वहां पे आदमी का नामो निशान नहीं मिलेगा। यहाँ पे एरिडिटी है, क्योंकि यहाँ पे एरिडिटी है, डार्क जो ये आता है इसमें रेन शैडो जोन में आता है, ठीक है, ये लोकेशन। देन लिमिटेड वेजिटेशन इज देयर, तो कोल्ड डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे लिमिटेड वेजिटेशन है। हाई एलिवेशन इज देयर, तो लार्ज एरिया विद स्पार्स पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन है ही नहीं मान लेते हैं। आल मेक इट ए परफेक्ट साइट फॉर लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, यहां पे मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। देन व्हाट आर द, कैसे ये कोई भी साइट है उसको डिक्लेयर किया जाता है डार्क स्काई रिजर्व, तो उसको कौन नॉमिनेट कर सकता है, डार्क स्काई रिजर्व को कौन नॉमिनेट कर सकता है,
तो इंडिविजुअल भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, या फिर ग्रुप भी कर सकता है, कोई एनजीओ वगैरह भी कर सकता है, क्योंकि ये स्टेटस दिया जाता है एक एनजीओ के द्वारा। ठीक है, इंडिविजुअल कैन नॉमिनेट, ग्रुप कैन नॉमिनेट ए साइट फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ IDSA, इंटरनेशनल डाइस स्काई एसोसिएशन है, उसका सर्टिफिकेशन इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये पांच कैटेगरी में दिया जाता है, हमने देख लिया है। ठीक है, इसके लिए IDSA कंसिडर ए पीस ऑफ लैंड सुटेबल फॉर डार्क प्लेस ओनली, तो कौन सी लैंड को कंसिडर किया जाता है? ऐसी लैंड जो कि विच कैन बी आइदर पब्लिकली ओन्ड और प्राइवेटली ओन्ड, जिसका ओनरशिप या तो गवर्नमेंट के पास हो या फिर प्राइवेट लैंड हो, उसको भी किया जा सकता है, परंतु उसको लीगली प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। वो लीगली प्रोटेक्टेड होना जरूरी है फॉर साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, कल्चरल हेरिटेज और पब्लिक एनवायरमेंटल पर्पज के लिए वो लीगली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कम्युनिटी रिजर्व है वगैरह हो सकते हैं। इट शुड बी एसेसिबल टू पब्लिक, तो ये एसेसिबल होनी चाहिए पब्लिक को। इट कैन बी पार्शली और एंटायरली ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए तो ये इसको एसेसिबल होना जरूरी है। तो इट कैन बी पब्लिक लैंड और प्राइवेट लैंड, एसेसिबल होना जरूरी है, इसको लीगली प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। एंड इसमें एक कोर एरिया होता है, कोर एरिया जैसे कि नेशनल पार्क का होता है वैसे ही, एंड देन देयर इज ए बफर एरिया, ठीक है, कोर एरिया देन बफर एरिया, देयर कोर एरिया जहां पे मिनिमम लाइट पॉल्यूशन होगा, जहां पे मिनिमम डिस्टर्बेंस अलाउड, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड होगा, और बफर एरिया है वो उसका काम करेगा बफर की तरह। तो कोर एरिया ऑफ द लैंड प्रोवाइड एन एक्सेप्शनल डार्क स्काई रिसोर्सेज रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड सिटीज है, उसके जो आसपास कोई सिटी लोकेटेड है उससे ये थोड़ा कम यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा। एंड इसमें क्या है, प्रेस्क्राइब्ड नाइट ब्राइटनेस, नाइट स्काई ब्राइटनेस जो प्रेस्क्राइब की गई है IDSA के द्वारा, उसका स्टैंडर्ड इसको मीट करना जरूरी होता है। एंड वर्ल्ड में 195 साइट्स रिकॉग्नाइज कर ली गई थी जनवरी 2022 से, 2001 में पहली ऐसी साइट को रिकॉग्नाइज किया गया था, अभी कितनी हो गई है 195 साइट्स को डार्क रिजर्व को है, तो डार्क स्काई रिजर्व्स कितने हैं 195 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, वो लोकेटेड है हेल्ले में ही लोकेटेड है, जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है, एंड ये ऑपरेट की जाती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के द्वारा ऑपरेट की जाती है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड साइट फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप, यहाँ पे बहुत सारे टेलीस्कोप इंस्टॉल किए गए हैं इस एरिया में हाले लद्दाख में, जैसे कि हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, मेस दैट इज मेजर एटमोस्फेरिक चेरिकनोव एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है टेलीस्कोप है, एंड ग्रोथ इंडिया जो टेलीस्कोप है वो उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे थे एक दो टॉपिक था जहां पे नाम याद नहीं आ रहा था, जो क्या था, डिफ्लेटर था वो ना, इन्फ्लेटेड एरोडायनामिक डेसलेटर। तो ये काम करता है बैलून की तरह, बैलून जैसे कि क्या नाम था, कुछ बोल गया मैं, इसको बाद में देखेंगे फिर। धन्यवाद।